नमस्कार, मैं हूं रंजन उपाध्याय, आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभा न्यूज। पेश है आज की खास खबर। लॉकडाउन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में नौकरी गई तो सिविल इंजीनियर बना कबाड़ी वाला। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना लॉकडाउन के दौरान लाखों लोगों को नौकरी देने का दावा कर रही हो, लेकिन लॉकडाउन के दौरान कई युवाओं की नौकरी छिन गई। इसके चलते वह खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होकर कुछ करने की सोचने लगे। इसमें से एक कहानी है लखनऊ के मड़ियावां थाना क्षेत्र के दाऊद नगर के रहने वाले ओम प्रकाश की। ओम प्रकाश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में सिविल इंजीनियर की नौकरी करते थे। ओम प्रकाश ने बताया, लॉकडाउन लगने की वजह से वह घर पर आ गए और वापस नहीं जा पाए, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा था। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन बिजनेस का आइडिया सोचा और लखनऊ कबाड़ी .com नाम से एक वेबसाइट बनाई। सिविल इंजीनियर ने कबाड़ी की दुकान खोली। यही नहीं, उसने कबाड़ को ऑनलाइन मंगाकर अपने लिए रोजगार की व्यवस्था की। मैं ओम प्रकाश, मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैंने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग हरदोई पॉलिटेक्निक से किया। तो ये आपको आइडिया कैसे आया लखनऊ कबाड़ी वाला .com खोलने का? जॉब कर रहे थे बनारस में एज ए साइट इंजीनियर, तो वहाँ पे एक बार हमें क्या हुआ कि स्क्रैप बेचना था, तो हमें देखे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी बेचने के लिए। उसके बाद भी हमें अरे माइंड में ये भी था कि हमें कोई अपना काम करना है, तो फिर दोनों से भी बताइए करके हमें लगा कि नहीं, हम ये काम कर सकते हैं। और काम कोई छोटा या बड़ा नहीं था हमारे हिसाब से, इसीलिए हमने काम कर। ये कब से आप कर रहे हैं? लॉकडाउन में आए थे घर, उसके बाद में फिर हम जाने के बजाय हमें लगा कि नहीं, हम सही टाइम है ऑनलाइन का, ऐसे भी डूर स्टेट सर्विस का, तो हम मैंने जून 2020 में।